कटकम दाग जो ब्लॉक है ना, ये बीजेपी का गढ़ है, पूरा बीजेपी का गढ़ है। हाँ, मोदी जी का ही वोट नाम पर जा रहा है, यहाँ कैंडिडेट उतना सही नहीं है। तो मोदी जी के नाम पर कब तक वोट दीजिएगा आप लोग, कैंडिडेट लोग काम ही नहीं करते? जब तक मोदी जी बच रहे हैं, है ना, उसके बाद जो है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देश चलाने वाला जो है ना युवा लोग के कंधा पर ये भार है। मिला जुला के हम लोग गरीब परिवार से है और अभी तक वैसी हाल में है, जो कल थे वो आज भी है। हम हैं कि अमित शाह बोले थे कि सहारा रिफंड का पैसा वापस कराएंगे और अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। रिफंड जो अमित शाह बोले थे वो अपना वादा को पूरा नहीं किया। आपको सरकार शिक्षा नहीं देगी, आपको सरकार नौकरी नहीं देगी, लेकिन सुबह शाम खाने के लिए राशन 5-5 किलो दे देगी। तो बताइए इससे जिंदगी सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। इस बार आप किधर मूड बनाए हैं सर? मूड तो अभी हम कहीं नहीं बनाए, मूड खराब है। मूड अभी खराब है इसलिए कि का देख से फायदा है जी, अगर हम साइकिल में जा रहे हैं साइकिल में जाइए रहे तो का मतलब है कि हमको देंगे से? पापा भी नहीं बचे और सारा पैसा भी चला गया और आयुष्मान कार्ड भी वैसे ही रह गया। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आपको पता है कि हमारा चैनल सफर 24 वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम कर रहा है और वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम करते करते हम लोग आज हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के कटकम दाग में आए हैं। आपको पता है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में लोगों का जो वोटर्स के मन की बात है वो उस तक हम लोग पहुंचने का कोशिश करें। तो आज कटकम दाग में आए हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इधर माहौल क्या है। आप उस लोगों से बाइट लेते हैं कि इधर का आखिर झुकाव माहौल क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। उपेंद्र जी, कटकम दाग का ये जो क्षेत्र है ये हजारीबाग संसदीय सीट में है और हजारीबाग संसदीय सीट से मुख्य रूप से तो बहुत उम्मीदवार है लेकिन मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार चल रहे हैं। हाँ। जेएलकेएम से जो जयराम की पार्टी है उससे संजय मेहता, भाजपा से जो है एनडीए गठबंधन से मनीष जायसवाल और इंडिया गठबंधन से जो जेपी पटेल हैं। इधर क्या माहौल चल रहा है, आप किधर देख रहे हैं हवा? यहाँ तो इस क्षेत्र में तो मनीष जायसवाल का ही पूरा लहर है। मनीष जायसवाल, तो मनीष जायसवाल का ऑफिस के बगल में इसलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, मनीष जायसवाल को ये मतलब हम लोग को विधायक भी रह चुके हैं। आप लोग विधायक भी हैं और सदर विधायक। हाँ, काम भी बढ़िया अच्छा किए हैं इस रूट में भी। अच्छा। और बढ़िया छवि बढ़िया बना चुके हैं इसलिए इधर तो पूरा मनीष जायसवाल का ही लहर है। और हम लोग चुनाव का माहौल जानने के लिए आए हैं, इधर संसदीय चुनाव जो चल रहा है उधर किसका माहौल चल रहा है, कौन कैंडिडेट का? हाँ तो भैया यहाँ का नहीं है। कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? हजारीबाग। हजारीबाग के अंदर का ही है ना? हजारीबाग में बहुत फर्क है ना, हजारीबाग सीट ही है। नहीं साहब, सब एक ही है। आपका कैंडिडेट कौन है? आपका कैंडिडेट भी तो मनीष जायसवाल और जेपी पटेल ही सभी होंगे ना? तो किधर मतलब झुकाव है? अब देखिए अभी कहाँ होगा सो कोई नहीं कह सकता। आप लोग का विधायक भी तो मनीष जायसवाल है, कैसे काम किए विधायक में? विधायक में काम कैसा रहा इनका? ठीक है ठाक। लेकिन सांसदी वाला में क्या है, चांस देना है कि बदलना है? काम तो इसी का है। इसी का चांस है, हवा इन्हीं का है। हवा और ऐसी भी है, ऐसे भी है। मतलब इनका अपना छवि के अनुसार कि मोदी जी के अनुसार? ना, ये यहाँ का निवासी है भैया, देश को छोड़ करके फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फट से जरूरत पड़ता है तो नज़दीक ये है, नज़दीक में है ना। ये कटकम दाग क्षेत्र है जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में आता है, क्या इधर माहौल चल रहा है? आप सैलून में यहाँ रहते हैं दिन भर तो काफ़ी लोग आते हैं अपना हजामत बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो चर्चा होते ही रहता होगा। यहाँ तो सब विकास एक माहौल है, विकास पर ध्यान दे रहा है लोग, जहाँ विकास होगा वहीं सब कुछ होगा। विकास हजारीबाग में हुआ है पूरा, विकास का श्रेय किनको जा रहा है अभी? किनको जाएगा? जो है वही जो मोदी सरकार है उन्हीं जाएगा। मतलब और कोई टक्कर उक्कर में है कि एक तरफा लहर है? उसके बाद है ना, उनके विपक्ष में है कांग्रेस, गढ़ है उनका, इनका गढ़ है कटकम दाग जो ब्लॉक है ना, ये बीजेपी का गढ़ है, पूरा बीजेपी का गढ़ है। अच्छा, आपको लगता है कि इनका आसपास में कोई टक्कर में के रहेंगे? कांग्रेस थोड़ा बहुत आएंगे, जेपी पटेल। इधर जो है मनीष जायसवाल जो हैं सदर विधायक भी रहे हैं और संसदीय क्षेत्र से हैं, इनका गढ़ माना जाता है, तो इधर क्या माहौल चल रहा है संसदीय क्षेत्र सीट को लेकर के? ऐसा तो मोदी जी का लहर है। मोदी जी का लहर है। हाँ,
और उनका लहर के अनुसार जीतेंगे मनीष जायसवाल की अपना भी इनका काम है, अपना उनका वैल्यू है नहीं कुछ उसको नहीं, लेकिन मोदी जी का है। मतलब भाजपा प्रत्याशी हैं मनीष जायसवाल और सदर विधायक भी रहे हैं यहाँ पर, तो उनका अपना छवि तो होगा ना? ना कोई छवि कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी वोट आप देंगे तो मोदी जी के नाम पर देंगे आप? क्या है, मोदी जी के ही नाम पर आप भी वोट देंगे? हाँ हाँ, मोदी जी का ही वोट नाम पर जा रहा है, यहाँ कैंडिडेट उतना सही नहीं है, खास करके हम लोग के तीन चार गांव को तो सताए हुए। इधर विस्थापन का मुद्दा है, रेलवे साइडिंग है बगल में आप लोग का, काफ़ी यहाँ पर भूमि अधिग्रहण को लेकर के बहुत बवाल चला था, हम लोग पिछला भी न्यूज़ कवर किए थे, यहाँ तक कि DC SP सारा एकदम तैनात करके फोर्स के बदौलत में जो है और सारा काम शुरू हुआ था, इसको कैसे देखते हैं आप? उसमें मनीष जायसवाल कैसे हेल्प किए? वो कोई हेल्प नहीं किए, पब्लिक के लिए कोई काम अच्छा नहीं किए, लेकिन मोदी का ही लहर में अभी वो निकलने वाले हैं। उनके पिताजी भाजपा छोड़ दिए, इसका प्रभाव से उनको टिकट नहीं मिला। जसवंत सिन्हा जो भाजपा छोड़ दिए हैं इसके वजह से टिकट जयंत सिन्हा को नहीं मिला? तो जयंत सिन्हा का काम ठीक ठाक था? नहीं नहीं, काम उनसे भी तो क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो उनसे भी काफी लोग नाराज दिखते हैं कि 5-2 टर्म रहे लेकिन वैसा कुछ छवि नहीं छोड़े। तो मोदी जी के नाम पर कब तक वोट दीजिएगा आप लोग? कैंडिडेट लोग काम ही नहीं करते, जब तक मोदी जी बच रहे हैं है ना, उसके बाद जो कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा देखा जाएगा। यहाँ तो एक चीज कह सकते हैं ना बाबा कि मोदी जी का जो अपना छवि है उसके अनुसार कैंडिडेट लोग वोट लेके जीत जाता है लेकिन पब्लिक ठगा जाती है। हाँ तो ही है, लेकिन क्या करें, सरकार तो अच्छा ही होना चाहिए ना, सरकार अच्छा ही करने के लिए मोदी जी को वोट देना है। क्या नाम है आपका? KP मौर्य मेरा नाम। KP मौर्य, देखिए मोदी जी को लोग पसंद करते हैं और एक अस्थायी सरकार के आश्रय जो है कैंडिडेट लोगों को वोट दिया जाता है, भले वो काम कर रहे हो नहीं, क्षेत्र में उनकी छवि नहीं हो। देखिए इधर विस्थापन वाला मुद्दा बहुत है, रेलवे साइडिंग के बगल में लोगों का जो मुआवजा है, भूमि अधिग्रहण संबंधी जो समस्याएं थी उसमें सांसद और विधायक दोनों का जो रोल है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है, लेकिन फिर भी लोग मोदी जी के नाम पे वोट देना चाहते हैं। अरे कहाँ वोट पाएंगे, देश चलाने वाला जो है ना युवा लोग के कंधा पर ये भार है, ऐसा मत करिए, बैठ जाइए। हम लोग हैं भोला बाइक केयर में, कटकम दाग में एक भोला बाइक केयर है, यहाँ आइए। क्या इधर संसदीय क्षेत्र है हजारीबाग, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? वोट तो देंगे तो नहीं लग रहा है कि हजारीबाग क्षेत्र में जो विधायक है वो काम कर पाया है जैसा काम होना चाहिए। सर विधायक मनीष जायसवाल थे ना? हाँ, काज ही नहीं काम कर पाए। अरे हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ वैसा काम हुआ है, जो कल था वो आज भी है, जो था पहले से वही वैसी है, ऐसा कोनो बहुत बड़ी कोई काम नहीं हो गया है। अब इसके साइडिंग में क्या क्या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, किसको नौकरी दे रहे, नहीं ये यहाँ का नहीं है, यही हम लोग सब इधर बाहर का है। नहीं नहीं, ये भी बाहर इधर का है, लाग तरफ का है, भोला बाइक वाला। आप लोग का जो संसदीय क्षेत्र है सुल्ताना वो भी आता है हजारीबाग में ही? हजारीबाग में आता है, हम जान वो विधायक तो हजारीबाग का हमारा अभी भी वही है मनीष जायसवाल। मिला जुला के हम लोग गरीब परिवार से है और अभी तक वैसी हाल में है, जो कल थे वो आज भी है, हम हैं, ऐसा थोड़ी कोनो बहुत बड़ा बात है। हाँ रह गए कि महंगाई तो आप देखे रहे कि महंगाई कितना आसमान छू रहा है, ये महंगाई के दौरान बताइएगा तो गरीब लोग किसी के यहाँ खाने का एक टाइम खाता है तो दूसरे टाइम के लिए सोचता भी है, ये हम लोग घर गाँव में देखते हैं ना भाई, कौन खा तो रहा है, कौन खा रहा है, कौन कैसा है, कौन कैसा माहौल है, ये तो आदमी को सिस्टम में समझ रहा है, ये महंगाई के हिसाब से आदमी को समझ में खुद आता है कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या इधर माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, किधर झुकाव है? झुकाव देखिए, झुकाव इस बार मोदी के लिए है, इस बार का दो बार से तो मोदी तरफ झुकाव है, इस बार नया थोड़ी। दो बार देखिए, दो बार हुआ ना, अब की बार फिर से फिर भी होना चाहिए मोदी को, फिर अगली बार होगा फिर कहिएगा अब की बार फिर होना चाहिए। और इनसे एक अनुरोध है मोदी सरकार से कि अमित शाह बोले थे कि सहारा रिफंड का पैसा वापस कराएंगे और अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। रिफंड जो अमित शाह बोले थे वो अपना वादा को पूरा नहीं किए, नहीं किए, हाँ नहीं देख रहे हैं। हाँ जो तो पैसा है वो पैसा भी लोगों को नहीं मिल रहा, कब तक करेंगे वो? आप लोग डिमांड कीजिए, डिमांड तो कर रहे हैं, आप तो अभी तुरंत सवाल किए हमरा
कि नहीं हम बरही तरफ गए थे तो यही हाँ, बात हुआ था। हाँ, तो एक आध बार सरकार को झटका दीजिएगा तब ना सरकार सुनेगा। भैया तो झटका किस तरीके से दें आप ही बोलिए कि सहारा का पैसा इस बार अगर मेरा नहीं आया तो हम शायद मोदी जी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हम तो ये बात बोल रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है सो सहारा जितना कंज्यूमर है उन सबको मिलना चाहिए। मोदी सरकार के पास तो अपाम स्कीम है, काहे नहीं कर रहे हैं वो करना। महंगाई का काल चाल है चाचा, बोल रहे थे कि महंगाई बहुत है, आपको लगता है? देखिए महंगाई आमदनी के अनुसार महंगा है, आमदनी जिस तरीका से होना चाहिए उस तरीका से नौजुवक को अभी तक कोई सा ये क्या बोलते हैं सरकार अरे रोजगार के पीछे कुछ नहीं ध्यान दिए। आप यहाँ के तो लोकल है ना? हाँ, यहाँ जो विस्थापन और वगैरह का जो मुद्दा था भूमि अधिग्रहण का, जो बेरोजगारी यहाँ झेल रहा है, लोग जाम उम भी किया था रेलवे साइडिंग की तरफ जब खुल रहा था, तो उसमें यहाँ के सांसद विधायक लोग ध्यान दिए लोगों को रोजगार दिलाने में? हाँ, विधायक लोग ध्यान दिए, कैसे नहीं ध्यान दिए, बहुत सा लोग इसमें भी है आपका कोलवरी में, बहुत सा लोग है, कल लोग घुसा है। हाँ, बहुत सा लोग है, पता चलता है बाहरी लोग भी बहुत घुसा हुआ है। देखिए ये सब छानबीन करना वहाँ का जो कल गया है नहीं जी, लोकल हम लोग हैं, अभी घूर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। कभी गए ऑफिस में वहाँ के हम लोग रोजगार दीजिए? बोले तो बोलता है कि हये रही जगह, ये सब बोलता है। पूछे ना कि बाहर लोग के लिए जगह कहाँ से मिल जाता है? वही ना बात है, बाहर के लोग काम कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग को नहीं दे रहा है, कारण दे रहा है, कारण का है बस। अरे देखिए यो जो मनीष जायसवाल है वो है बिहार का है ना जी? बिहार का है मनीष जायसवाल, कहाँ का? ये झारखंड बड़का का, इनका पुश्तैनी मकान है, लेकिन उनके दादाजी जहाँ तक हम सुने हैं अभी तक इसका हम पूरा छानबीन नहीं किए हैं, कहते हैं कि इनके दादा परदादा जो थे वो शायद बिहार से आए। हाँ, वो पहले बिहार, हाँ तो पहले तो बिहार ही था। हाँ, तो वो तो पहले बिहारी ने देख रहा है, हम लोग को कहाँ देख रहा है? तो आपको क्या लगता है इस बार मनीष जायसवाल को चांस दीजिएगा? चांस है, लेकिन देखिए एक चीज बता देते हैं कि लॉकडाउन जब से लॉकडाउन लगा था ना, जो लॉकडाउन लगा था तो मतलब कि 4 महीना लॉकडाउन में तो फ्री, 4 महीना जो लॉकडाउन लगा, आयुष्मान कार्ड जो इनका खत्म करते हैं फिर आपसे बात। 4 महीने जो लॉकडाउन लगा तो राशन फ्री में मिला जी, 4 महीना दूसरा नेता रहता तो नहीं देता है मोदी जी थे इसलिए दिए। हाँ, तो मोदी जी पार्टी के दे मनीष जायसवाल तो नौकरी वोकरी पर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं बेरोजगार घूम। अरे तो वही ना बात है, बस वही तो दिक्कत है, राशन से जिंदगी चल जाएगा? नहीं नहीं चलेगा, ये बात ठीक है। आपको सरकार शिक्षा नहीं देगी, आपको सरकार नौकरी नहीं देगी, लेकिन सुबह शाम खाने के लिए राशन 5-5 किलो दे देगी, नहीं, नहीं। तो बताइए इससे जिंदगी सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं सबको बेरोजगार जितना भी है सबको रोजगार मिलना चाहिए बस। इस बार आप किधर मूड बनाए हैं? मूड तो अभी हम कहीं नहीं बनाए, मूड खराब है इस बार, मूड अभी खराब है, इसलिए कि रोजगार घूम रहे, किसी को वोट देंगे या ना देंगे का दिक्कत है? मेरा मतदान है, हमको दे या ना दे का देख से फायदा है जी? अगर हम साइकिल में जा रहे हैं, साइकिल में जाइए रहे तो का चीज मतलब है कि हमको देंगे से? ओकर से बढ़िया अपना तेल लगा, हम जान रहे हैं कि हमको कल आज वोट देंगे, कल भी साइकिल में चलना, कल वोट देंगे। आप बोलिए। जैसे मेरा कहना था जो आयुष्मान कार्ड का जो आविष्कार किए थे सरकार, जो योजना लाए थे आविष्कार नहीं भाई भाई, तो उस पर खरा अभी तक नहीं उतरे। बहुत कहीं दिक्कत हुआ इलाज में? हाँ, इलाज में दिक्कत हुआ तब ना बोल रहे, मेरे साथ हुआ खुद, मेरा पापा का इलाज नहीं हो पाया उसमें। 5 लाख का फ्री मोदी जी बोल रहे हैं कि है भैया, 5 लाख रुपया का फ्री था, लेकिन यहाँ से कार्ड लेके गया आयुष्मान कार्ड, उसके बाद बोला कि तुम्हारा है राशन कार्ड भी दिए, उससे भी कोई सुनवाई नहीं, वहाँ जाओ वहाँ यहाँ वहाँ करते करते फिर आरोग्यम से घूम के फिर हम गए रांची में भी, आपका कौन सा अस्पताल है सरकारी? रिम्स में भी बहुत चक्कर लगाए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, और पेशेंट का हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा था, उसके बाद फिर जाके उसको प्राइवेट में भर्ती करवाएं, समझे? कितना खर्चा हो गया वहाँ? लमसम हमारा खर्चा हो गया 6.25 लाख रुपया, और उस सारा पैसा हम कर्जा करके कुछ ज़मीन जगह बेच के, समझे, कुछ अपना कमेटी से उठा के तब हम भर पा के, पापा भी नहीं बचे और सारा पैसा भी चला गया और आयुष्मान कार्ड भी वैसा ही रह गया, समझे? फिर भी समर्थन कर रहे हैं मोदी जी? समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार 10 साल में बहुतों को बहुत कुछ किया है, समझे ना? जैसे आप एक आठ बढ़िया काम के नहीं है मोदी जी का, आयुष्मान कार्ड तक फेलियर हो गया आपके पिताजी वाला में, फेलियर हो, बहुत कोई को लाभ मिला भी है। हाँ,
बहुत को लाभ मिला। हम ये टेक्निकल फॉल्ट होगा, हो सकता है नाम वाम मैच नहीं कर रहा होगा या कुछ, सारा चीज सब ठीक था भैया। हॉस्पिटल ला बोला कि नहीं होगा, वो बोल दिया वहाँ जाओ कागज लेके वहाँ जाओ ऐसे करो, दौड़ा रहा था, दौड़ा रहा था। मैंने हम अभी बताएंगे आपको दौड़ाने के पीछे क्या कारण है से, लेकिन आपको आप एक आध दो काम की नहीं है जो मोदी सरकार 10 साल में बढ़िया किया। शौचालय बनवाए, पेयजल दिए और बाथरूम दिए, बहुतों का कॉलोनी मिला, हमको तो नहीं मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तो अबू आवास बांट रहे हैं, उनके बांट रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से जब तक पास नहीं होगा जो चीज़ नहीं, अबू आवास तो राज्य का मामला है, ये पास करा रही है, दो ढाई लाख इसमें भी पास हुआ है शायद। और आपका जनधन योजना का खाता खुला? हाँ, खाता में अभी पैसा निकालने में बैंक वाला पैसा काटना शुरू कर दिया बोलता है इतना खाता सरकार खुलवा दी कि संभालना मुश्किल हो रहा है। दो हजार रुपया किसानों को जो आता है, तीन तीन चार पीएम सम्मान, किसान सम्मान निधि योजना, ये बहुत बड़ी योजना है मोदी सरकार, वो भी करवाए सरकार। हेमंत सोरेन लोन भी तो माफ किया किसान लोग का, आप लोग भुला खाए थे किसान लोग का लोन इस बार माफ किए, 50,000 लोन माफ हुआ है ऋण माफी की योजना के तहत, तो बोल रहे थे कि 1,00,000 माफी होगा, 1,00,000 का था दूसरे टर्म में, लेकिन फिलहाल 50,000 जिनका जिसका था उसका माफ हुआ है। अच्छा, तो इस चीज़ को जानकारी नहीं था, बढ़िया बात हुआ कि आपसे हमको सूचना मिल गया, बैंक में जाएंगे केसीसी मेरा है ना। अरे तो इसको करवा लीजिए, प्रज्ञा केंद्र में जाकर के 1 रुपये का टोकन कटता है, कटवाइएगा 50,000 तक का लोन माफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुल मिलाजुला करके जो रिस्पांस है मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी के दीवानों की कमी नहीं है, लेकिन मोदी जी को भी ये देखना होगा कि उनके कैंडिडेट क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं, उनकी योजना जो है जो लॉन्च कर रहे हैं वो धरातल पर हो रही है कि नहीं। एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। जो सहारा की बात आई कि सहारा का पैसा फंसा हुआ है, सहारा का पैसा फंसने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया कि सरकार जो पैसा है सहारा का वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट लोगों को देना शुरू करे, लेकिन सरकार ने जो सिस्टम डिजाइन किया पैसे देने का वो इतना स्लो प्रोसेस है, करोड़ों करोड़ रुपया जो है इसमें है लोगों का फंसा हुआ, बहुत सारे बड़े लेवल पर लोगों का पैसा फंसा हुआ, तो आपको जो व्यवस्था वो बड़े लेवल पर करना होगा तब ना जल्दी जल्दी लोगों के पास पैसा जाएगा। शुरू में था कि 10,000 रुपया सभी को भेजा जाएगा, उसके बाद कंफर्म होगा तो फिर एकमुश्त जो 20-40,000 जो भी जिसका फंसा हुआ वो भेज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ भी ऐसा है कि पहला इंस्टॉलमेंट भी 10,000 सभी को नहीं मिल पाया, ऑनलाइन करा के लोग बैठे हुए हैं, और जो व्यवस्था सरकार बनाई सहारा रिफंड के लिए वो पोर्टल इतना घटिया चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि जिसका हिसाब नहीं। आप प्रज्ञा केंद्र वालों के पास जाएंगे पूछेंगे तो वो लोग खुद बताएगा कि इसका पोर्टल सही से काम नहीं करता है। जो सहारा की ऑफिस है जो वहाँ पर जो है कोई ढंग का रिस्पांस नहीं है, एजेंट लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन करा लो पैसा आ जाएगा, लोग ऑनलाइन करा करके 2-3 महीना से बैठे हुए हैं, रिफंड नहीं आ रहा, ये सहारा की बात है। अब रहा आयुष्मान कार्ड का, तो आयुष्मान कार्ड का जो है वो फॉल्ट मैं बताता हूँ। आयुष्मान कार्ड मोदी सरकार की बहुत ही बढ़िया योजना थी, इसमें गरीबों को 5,00,000 तक जो है वो इलाज मुफ्त मिल रहा था, लेकिन इसमें फॉल्ट कहाँ है ये समझिए। आयुष्मान कार्ड आप बनाने जाएंगे तो उसमें राशन कार्ड में नाम आपका होना चाहिए, अगर राशन कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका आधार से मैच नहीं कर रहा तो आयुष्मान कार्ड आपका जो है ऑनलाइन जेनरेट नहीं होता है और उससे इलाज में प्रॉब्लम होता है। अगर सब कुछ आपका हो गया तो पता चलता है कि जिस अस्पताल में जाएं वहां आनाकानी करते हैं इलाज कराने से, कारण ये कि अस्पताल वाले जो इलाज किए हैं, अस्पताल वालों का कहना होता है कि सालों से जो है अभी कितने मरीज का जो हम लोग इलाज किए हैं सरकार उसका पैसा नहीं दिया, तो हम लोग तो घाटे में जा रहे हैं, डॉक्टर को कैसे पेड करेंगे, लाखों लाख का बकाया है। तो ये सारा फॉल्ट है, कमी है, जिससे सरकार का योजना धरातल पर नहीं पहुँच रहा, लेकिन फिर भी लोग मोदी को पसंद करते हैं कि हाँ उनकी अच्छी कुछ चीज़ें हैं जो जिसके वजह से उनको लाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को अपनी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? नहीं, वोटर्स के मन की बात में जो जनता पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जनता पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं वो अपने हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात बता सकते हैं कमेंट के जरिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आज कटकम दाग से इतना ही, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, फिर किसी और वीडियो में किसी और प्लेस से आपसे बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।